हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचिंग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट थ्री चल रहा है। यूनिट थ्री आज लास्ट टॉपिक है। यूनिट थ्री का आज लास्ट टॉपिक क्या है? राइटिंग। यूनिट थ्री में एक दो टॉपिक जो है, पॉइंट जो है, उसमें हमने स्किप कर दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा यूजफुल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा था। फिर भी आप अपने स्तर से उसको देख लीजिएगा, क्या पता वो एग्ज़ाम में पूछ ले, ठीक है। और ये जो टॉपिक आज का है राइटिंग, इसको लगा कि नहीं ये हो सके तो पूछ दे, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आज इसको समझते हैं कि क्या है राइटिंग। राइटिंग मीन्स ये है कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि जो हमारा ये इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है, भारत में फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, यानी कई प्रकार के नाम से जाना जाता है। तो भाई यहाँ के जो मदर टंग लिखने वाले, बोलने वाले हैं, इनके लिए ये एक विदेशी भाषा है, फॉरेन लैंग्वेज जैसे मैं बोला। तो भाई हिंदी लिखते हुए आ रहे लर्नर, उनको इंग्लिश में लिखाना है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि कैसे लिखें, ये बात भी है, और उनको ये बात बताना ज़रूरी है कि राइटिंग सुधारने से क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है, पहले राइटिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए राइटिंग क्या है। राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउ स्टूडेंट टू पुट देयर फीलिंग एंड आइडिया ऑन पेपर। राइटिंग मीन्स क्या होता है? राइटिंग मतलब क्या होता है कि राइटिंग ये है कि इसके द्वारा जो बच्चे होते हैं वो अपने थॉट्स, लर्नर, स्टूडेंट्स, कोई भी, पर यहाँ पर मेन सेंटर कौन होगा? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो अपने हैं बाई राइटिंग के द्वारा अपने थॉट्स और फीलिंग को पेपर में लिख सकते हैं, कॉपी में उतार सकते हैं। जो बात वो कह नहीं सकते उसको वो पेन के द्वारा अपने बुक में नोट कर सकते हैं। हो सकता है कि बोलने में वो हिचकिचाते हों, लेकिन अगर लिखना उन जानते हैं तो वो अपने अंदर की भावनाओं को, फीलिंग्स को अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए आप देखते होंगे ऐसे लिखा जाता है, ऐसे जो निबंध लिखा जाते हैं, ऐसे मुँह से बोलने में नहीं, लेकिन बोल जाएगा कि ऐसे लिख कर लाइएगा, तो बच्चे जो है उसमें सोचते रहते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या आराम से सोचते रहते हैं, तो बढ़ता जाता है। एक ऐसे वो बहुत बड़ा बना सकते हैं। और वही अगर सामने से पूछा जाए कि ठीक है कोई निबंध सुनाओ मेला पर गाय पर, तो वो थोड़ा सा ही बता पाएंगे, लेकिन अगर वही उनको लिखने के लिए बोल दिया जाएगा तो वो आराम से सोच सोच के लिखेंगे, तो उनके अंदर से जो फीलिंग, थॉट्स जो आती हैं उसको आराम से और बहुत ही वेल तरीके से उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या है राइटिंग? इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी एक बातचीत का ही तरीका है, दैट अलाउ स्टूडेंट टू पुट देयर फीलिंग्स एंड आइडिया ऑन पेपर, ठीक। देखिए दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसका, कि राइटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल्स टू कम्युनिकेट थॉट्स एंड आइडिया। और क्या कह सकते हैं राइटिंग को? राइटिंग क्या है, यानी लेखन क्या है? लेखन ये है कि ये सिंबल्स, ठीक है, डिफाइंड इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल्स, यानी जो ये सब सिंबल्स ही हैं, इन सबको अगर बोलते हैं ना काला अच्छा भैंस बराबर टाइप है, अगर जिसको नहीं पढ़ना आता है तो उनके लिए तो ये अक्षर ही है, टेढ़ा है, अक्षर ही है, कोई सिंबल्स है, कोई प्रतीक चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो यही एक तरह से ऐसा मान सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिंबल टू कम्युनिकेट, क्या कम्युनिकेट किया जाता है? क्या? थॉट्स एंड आइडिया। आइडिया और थॉट्स जो है उस सिंबल के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक। ये बात होगी दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि राइटिंग स्किल वन ऑफ द प्रोडक्टिव स्किल्स दैट शुड बी मास्टर्ड इन यूजिंग अ लैंग्वेज। इसका कहने का मतलब ये है कि राइटिंग स्किल क्या है? कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जो होता है वो लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है, बोल देता है, लेकिन लिखने के लिए उसको अच्छे तरीके से मास्टर होना पड़ेगा उस लैंग्वेज, उस भाषा में। ऐसे ही नहीं कोई सब लोग पोएट बन जाते हैं, राइटर बन जाते हैं, उस लैंग्वेज पर, उस विशिष्ट क्षेत्र पर वो अपनी पकड़, मास्टरी हासिल करते हैं, तब जाकर वो कुछ कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो वही कहा है यहाँ पर कि राइटिंग स्किल इज वन ऑफ द प्रोडक्टिव स्किल दैट शुड बी मास्टर्ड इन यूजिंग अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को यूज करने में उनको मास्टर्ड होता है, ये प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव स्किल मतलब निकलता है बाहर निकालने वाली, ठीक है। यहाँ पर एक विद्वान जन है जिनका नाम है हार्मर, एक क्वोट्स है। हार्मर ने क्या कहा राइटिंग के बारे में, ये देखते हैं कि राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टू डिलीवर थ्रू और टू एक्सप्रेस फीलिंग थ्रू रिटन फॉर्म। क्या मतलब है देखते हैं कि राइटिंग इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो बात है ये भी यही कह रहे हैं कि राइटिंग क्या है? कम्युनिकेशन, बातचीत का एक जरिया है। पहले के ज़माने में भाई राइटिंग के द्वारा ही, यानी पत्राचार जो होता था,
पत्र के द्वारा जो लोग बात करते थे भेद या आज पत्र वहाँ से लिख के आया, तो ये भी कम्युनिकेशन का ही जरिया, ये भी कम्युनिकेशन, उसके द्वारा भी बातचीत होती थी। कम्युनिकेशन टू डिलीवर थ्रू और एक्सप्रेस फीलिंग थ्रू रिटन फॉर्म, यानी और अपनी भावनाओं को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, लिखे रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में अपनी भावनाओं को अपनी फीलिंग्स को डिलीवर करते हैं, वही क्या कहलाता है हमारा राइटिंग। ठीक है, ये हमारा राइटिंग हो गया। आगे जब हम जो जस्ट पढ़ेंगे कि राइटिंग के क्या है करेक्टरिस्टिक्स है, कैसे इसका मेथड क्या क्या हो सकता है राइटिंग का, तब उसमें और ज़्यादा समझ में आ जाए कि बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप इसका, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइटिंग। देखिए अब हम देखते हैं कि क्या है राइटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स और यहाँ पर टाइप ऑफ राइटिंग स्किल्स, यानी राइटिंग स्किल्स लिखने के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको देखेंगे, और क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक रिटन स्किल में, यानी आप अगर कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, पहला यहाँ पर हमारा पॉइंट है कि कंप्लीटनेस, राइटिंग स्किल कंप्लीटनेस होती है, यानी कि आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ पत्र किसी को लिख रहे हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं, कोई अच्छा आप अपने एग्जाम में अगर आंसर भी लिख रहे हैं, तो क्या करते हैं आप कि जितने भी चीज़ें होती हैं आपके दिमाग में आती है सब सब लिखते जाते हैं, यानी पूरा कंप्लीट करते हैं उस चीज़ को। और दूसरी बात, ये तो हो गई सामान्य बात, कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है कि एक रिटन फॉर्म में जो भी अगर पैराग्राफ है, कोई भी सेंटेंस है, वो किसी भी थॉट का, किसी भी फीलिंग का वो कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, जो बात आप बोल नहीं सकते वो बात आप लिख देते हैं उतनी ही आसानी से। ठीक है, तो वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक, कोई भी रिटन स्किल्स में सबसे पहली बात चीज़ इस बात की रहनी चाहिए कि आप वो कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसकी क्या हो, वो पूरा कंप्लीट हो। ठीक है, आधी अधूरी बात करेंगे तो वो पूरा का पूरा उनका जितना भी लिखे होंगे समझ में आएगा नहीं। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि कंप्लीटनेस, यानी मीनिंग जो हो वो कंप्लीट हो। ठीक, दूसरा क्या है करेक्टनेस, करेक्टनेस का मतलब क्या होता है कि आप जो भी कुछ लिख रहे हैं, राइटिंग स्किल का पहला विशेषता यह है कि उसमें करेक्टनेस ना होनी चाहिए, यानी करेक्ट चीज़ें ही लिखें, ग्रामर का यूज कर रहे हैं, ट्रांसलेशन का यूज कर रहे हैं तो वो करेक्ट फॉर्म में हो। ठीक, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो क्या है वो अर्थ का अनर्थ बना देता है। ठीक, तो यहाँ पर वो करेक्टनेस उसमें होनी चाहिए। ठीक, इसकी विशेषता ये होती है कि उसमें किसी भी रिटन फॉर्म या रिटन स्किल अगर आपको आ रही है तो दूसरी चीज़ क्या होता है कि करेक्टनेस, यानी करेक्ट चीज़ होती है। ठीक, अगला क्या है क्लियरिटी, क्लियरिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप लिख रहे हैं कोई भी चीज़ आंसर ही लिख रहे हैं तो क्लियर होना चाहिए। आप एग्जाम में बैठे हैं और आप हौच पौच करके आ जा रहे हैं कॉपी में, तो ऑब्वियसली नंबर तो डाउन होना ही है। तो क्या है राइटिंग स्किल, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको इसीलिए लिया था कि ये एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग मेनली क्या करते हैं कि बस लिखते जाओ लिखते जाओ, लेकिन कंप्लीटनेस तो ठीक है, कोशिश करते हैं सारी जितनी चीज़ें मुझे आ रही है सब कंप्लीट कर दें, और क्या है करेक्टनेस, ठीक है करेक्टर लिख रहे हैं लेकिन क्या पता कि क्लैरिटी दे ही नहीं पाते हैं, जैसे कि मेरे साथ होता है। ठीक है, लिख तो लेते हैं, पहला दूसरा पॉइंट मेरे लिए बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन तीसरा क्या है क्लैरिटी, क्लैरिटी मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, ऑनेस्टली मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, हिंदी की राइटिंग तो बहुत ज़्यादा गंदी है, मेरे फैमिली में मेरी बहन का मेरे भाई का राइटिंग अच्छा है पर हिंदी का बहुत ही गंदी है, यानी क्लियरिटी नहीं रहती है। अगर क्लियरिटी नहीं है तो एग्जामिनर जो है वो भी अच्छे मन से उसको देखता नहीं है, चेक नहीं करता है, क्लियरिटी देंगे तो वो आपकी कंप्लीटनेस को समझेगा, देखेगा कि क्या लिखा है, करेक्टनेस को कितना करेक्ट लिखा है ये भी देखेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने ये जो राइटिंग का जो आज का जो टॉपिक है इसलिए लिया था कि ये आपके एग्ज़ाम में आने जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, कि आप कोशिश करिए कि ये तीन जो पॉइंट है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से गौर करिएगा, कोशिश करिए कम ही लिखिए लेकिन क्लियर लिखिए। ठीक है, क्लियर लिखने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा नंबर गेन कर पाएंगे, जितना क्लियर लिखा गया जितना साफ अक्षर में लिखा रहेगा उतने अक्षर आप इतने ज़्यादा अंक आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, अगला हमारा क्या है कंसाइजनेस, इसका मतलब ये होता है संक्षिप्तीकरण, इसका मतलब होता है कि संक्षिप्त, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो कोशिश करो कि वो संक्षिप्त में हो, कोई भी चीज़ अगर लिख रहे हो तो कोशिश करो कि हाँ इतने में ही हो जाए। देखिए
कुछ कुछ चीज़ें को मैंने जस्ट मेरे जितने भी वीडियो हैं मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी थोड़ी यानी बस पॉइंट वाइज पॉइंट लिखाऊँ, नहीं पूरा बोर्ड भरने से मतलब नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा ओरली बता दे रहा हूँ और थोड़ा सा यहाँ सर लिख दे रहता हूँ ताकि दोनों से आपको रिलेट कर कर अच्छे समझ सकते हैं। ठीक, तो यानी कंसाइजनेस संक्षिप्तनेस भी होनी चाहिए, संक्षिप्त इतना हो कि आपको समझ में आ जाए, इतना ही संक्षिप्त हो कि समझ में आ जाए, फालतू के अलग चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये आपको राइटिंग स्किल में इसकी विशेषता ही राइटिंग स्किल की ये होनी होती है कि उसमें कंसाइजनेस यानी संक्षिप्ति भी होती है। ठीक, आप जितना मुंह से बोल लेते हैं बहुत सारी कितनी चीज़ें बोल लेते हैं जिसमें कितनी सारी चीज़ें फालतू होती हैं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राइटिंग में क्या होता है आप उसी चीज़ को लिखते हैं और संक्षिप्त करके लिखते हैं जो ज़रूरी होती है, जो यूजफुल होती है। ठीक, अगला हमारा क्या है कि कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब है कि ध्यान होता है, ख्याल रखता है, इसका मतलब ये होता है कि इट शुड एंटिसिपेट द रीडर्स रिएक्शन। अब कहने का मतलब ये है कि अब इसको कहीं से भी ले सकते हैं, एज अ राइटर आप राइटर है तब भी ले सकते हैं और एज ए टीचर भी अगर अपने आप को, यानी ये पॉइंट आप जहाँ भी जिस भी मॉडल पर बैठेंगे वहाँ से आप सोच सकते हो। अगर आप एक राइटर हैं ठीक, तो कोशिश ये करेंगे कि कंसिडरेशन यानी जो भी चीज़ आप लिख रहे हो तो उस बात का ध्यान रखो कि जो रीडर्स है जो पढ़ेगा इस किताब को उसके भावनाओं को उसके सोच विचार को समझकर, नहीं कि आप शशि थरूर वाले इंग्लिश लिख दिए तो पता चला कि किताब लेके बैठे जगह डिक्शनरी लेके बैठे। ठीक, कोशिश करें, कोशिश ये की जाती है कि अच्छा और क्लियर भाषा में लैंग्वेज में कोई भी चीज़ें लिखी जाती है। ठीक है, एज ए राइटर आप ऐसे करेंगे और एज ए स्टूडेंट आपको ये करना होगा कि एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपको भी कंसिडरेशन इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप उन्हीं चीज़ों को लिखें जो ज़रूरी हो। ठीक, यानी कि अब आपको किसको ध्यान रखना है, रीडर्स यानी जो कौन पढ़ रहा है, एग्जामिनर पढ़ रहा है, तो एग्जामिनर अगर पढ़ेगा तो इस बात का ध्यान रखेगा कि बस उन्हीं के जो टॉपिक्स रिलेटेड है बस उन्हीं तक ही बातें बताई जाए या फिर लिखी जाए। ठीक है, ये विशेषताएँ होती हैं हमारी राइटिंग स्किल्स की, उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा। अब हम देखते हैं, समझ में आया होगा, इसके बाद देखते हैं कि टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये भी देखते हैं। देखिए, पहला हमारा पॉइंट है कि इमिटेटिव और राइटिंग डाउन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि पूछेगा राइटिंग तो आप बस ऐसे ही लिखेंगे, जैसे मैंने पीछे बताया, पहले उसके पूरे इंट्रो दे देंगे कि राइटिंग क्या कहते हैं, उसके बाद एक दो विद्वान हैं स्कॉलर्स हैं उनके कोट्स लिख देंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक मेथड लिख देंगे, दो तीन चार पॉइंट में आपका पूरा लॉन्ग कवर हो जाएगा। ठीक है, क्या है टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल, इमिटेटिव समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है एज ए टीचर, एज ए बींग टीचर। ठीक है, आपको ज़रूरी है कि आप बच्चे को ये बात बताएं कि राइटिंग क्यों ज़रूरी है, मुझे तो नहीं बताएगा, बस ये बताएगा कि लिखा को सुंदर सुंदर अच्छे से लिखेंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए एज ए टीचर आपको इस बात को पूरी अच्छी तरीके से जाननी चाहिए कि क्यों राइटिंग ज़रूरी है। ठीक, तो पहला क्या है कि इमिटेटिव और राइटिंग डाउन। राइटिंग डाउन का मतलब, इमिटेटिव का मतलब ये होता है कि इसमें ये शुरुआती यानी ये बेसिक, ये बेसिक राइटिंग है। बेसिक राइटिंग मतलब ये होता है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लर्नर को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बस जो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, लेटर्स जो होते हैं, बस उन्हीं तक उनको सीमित कर दिया जाता है, ये इमिटेटिव में होता है। ठीक, यानी ये शुरुआती होता है, शुरुआती राइटिंग होती है। बच्चे अगर ऐसे ऐसे क्रिबलिंग कर रहे हैं तब भी, या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट बना रहे हैं, ABCD भी लिख रहे हैं, तो वो सब इतने तक रहते हैं। ठीक, अगला हमारा पॉइंट है ये, देखिए टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल के हैं, ये भी राइटिंग स्किल के अंडर भी आ रहे हैं। अगर छोटा बच्चा, छोटा लर्नर ABCD लिख रहा है तो ये भी लिखना ही हुआ, जो इन्हें कि पूरा पूरा पैसे लिखे तभी कहेगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि इंटेंसिव और कंट्रोल। इंटेंसिव और कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव और कंट्रोल का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि टीचर जितना चाहेगा आप उतना ही लिखेंगे, टीचर जितना चाहेगा आप उतना ही लिखेंगे, ये कंट्रोल मेथड, कंट्रोल या इंटेंसिव मेथड। इसका मतलब ये मेनली आप ग्रामर में यूज़ कर सकते हैं, भाई जितना बनाने के लिए दिया गया उतना ही लिखेंगे कि अपने मन से आगे लिखेंगे, ऐसा होता नहीं है, और ये कंट्रोल होता है, जितना टीचर चाहेगा उतने तक लिखते हैं। ठीक है, हमारा जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, क्या है, सेल्फ राइटिंग। अब सेल्फ राइटिंग क्या है कि यहाँ तक अब यानी कि अब जिसे लोग बढ़ते जाते हैं तो ऐसा ही है, पहले छोटे बच्चे फिर उससे बड़े बच्चे, अब यहाँ सेल्फ राइटिंग यानी अब अपने खुद से लिखिए, खुद से लिखिए, बैठे एग्जाम में लिखिए, जितना मन लिखना है लिखिए, लेकिन इन सब बात को ध्यान में रख लिखना है, लेकिन आप लिख सकते हैं सेल्फ राइटिंग में, आप जैसे मन तैसे लिखिए, अपने सारी भावनाओं, सारी फीलिंग्स को, सारे थाट्स को आप अपने बुक में, सॉरी आप अपने कॉपी में, पेपर पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइटिंग स्किल्स हुआ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या है मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, ठीक है। क्या क्या इन सब के मतलब होते हैं या फिर क्या मेथड होता है एक राइटिंग टीचिंग राइटिंग का, ठीक है। पहला मेथड करने का मतलब कि कैसे कैसे पहले लिखना सिखाते हैं लर्नर को, यानी बच्चे को कैसे लिखना सिखाते हैं। पहला हमारा पॉइंट दिया गया है किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन मेथड का मतलब ये होता है या फिर इसमें ये मानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि जो छोटे छोटे बॉक्स रहते हैं, अब किंडरगार्टन आपको पता है किंडरगार्टन में क्या होता है, खेलकूद विधि द्वारा सिखाया जाता है कोई भी चीज़ होती है, चाहे पढ़ना हो, बोलना हो, लिखना हो, कैसे भी। तो लिखने में भी छोटे छोटे बॉक्स रहते हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे बॉक्स हो गए, कई सारे बॉक्स, अब मिलाकर इन सबको एक साथ मिलाकर ढेर सारे मान लीजिए ऐसे ही बॉक्स हैं, उनको ए बनाना है, मान लीजिए ए बनाना है तो ऐसे एक बॉक्स मिलाकर पूरा ए बना सकते हैं, ठीक। ए बी जो भी अगर बनाना है तो इन सबको बॉक्स को रखते हुए एक बड़ा सा ए बना देते हैं, ठीक। ये बच्चे कैसे करते हैं, पहले जो हाथ से ही करते हैं, ठीक। मैंने बताया जस्ट अभी बताया कि किंडरगार्टन में क्या होता है कि खेलकूद विधि द्वारा, यानी प्ले मेथड वाला इसमें सिखाया जाता है। इन छोटे छोटे बॉक्स उठाकर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ ऐसे करते हुए बी बना ए बना देंगे, ठीक है। तो पहले बड़ा बड़ा लेटर जो होते हैं उन सबको इस बॉक्सेस को द्वारा सिखाया जाता है। ये हमारा किंडरगार्टन मेथड द्वारा पहले राइटिंग की ये स्किल होती है, ठीक। दूसरा हमारा क्या है, ट्रेसिंग मेथड। देखिए ट्रेसिंग मेथड क्या होता है, ट्रेसिंग मेथड में ये होता है कि आप देखे होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके इस समय प्राइमरी में भी जो उनके जो एक्सरसाइज बुक जो होती है उसमें ऐसे छोटे छोटे लाइन दिए रहते हैं, अगर ए भी लिखना है तो ऐसे लाइन देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल से उसी लाइन पर ऐसे बनाते हैं ए, बी लिखना है तो ऐसे ऐसे लाइन छोटे छोटे पॉइंट करके बनाए रहते हैं लोग, बनाया जाता है। ये क्या है, ट्रेसिंग मेथड है, यह है क्या है, ट्रेसिंग मेथड। इसी में बच्चे उसमें रिसाइट कर लेते हैं, पहले फिर से इसी को दोहरा देते हैं, ये क्या होता है, रिसाइटिंग मेथड, यानी राइटिंग का रिसाइटिंग मेथड होता है, ठीक। ये बात किंडरगार्टन मेथड, ये होती है ट्रेसिंग मेथड होती है, ठीक। अगला क्या है, फ्री इमिटेशन मेथड क्या होता है, फ्री इमिटेशन मेथड का मतलब ये होता है कि जितना टीचर जो होता है बताया रहता है, लिखाया जाता है, जैसे मैंने ये लिखाया है किंडरगार्टन मेथड, बच्चे क्या करते हैं ऐसे ही लिख देंगे कि किंडरगार्टन मेथड, ठीक। इसमें एक बात की, ये बात की थोड़ा सा छूट रहती है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने स्टाइल में लिखते हैं, चाहे जैसे भी लिखे। इसमें क्या होता है कि जिस जो पॉइंट बना रहता है उसी पर उनको पेंसिल करना पड़ता है, ठीक। इसमें क्या है, अगर किंडरगार्टन मेथड लिखना है जो टीचर बोर्ड पर लिखा है उसी को एज इट इज बस लिख देना है, एज इट इज नहीं, अब वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक। ये राइटिंग का क्या है, फ्री इमिटेशन, इसके नाम से ही पता चलता है कि फ्री इमिटेशन, यानी बच्चे अपने हिसाब से लिख देते हैं। अगला हमारा जो लास्ट है क्या है, मेथड में लिखने के मेथड में क्या है कि फ्रेंच मेथड, एफ जी फ्रेंच मेथड की मतलब ये होता है कि कोई विद्वान थे एफ जी फ्रेंच, इनका कहने का मतलब ये था, ये कहते थे कि लिखने का मतलब ये नहीं कि तुम सीधे सीधे पहले पेंसिल लेकर लिखना शुरू कर दो, इनके कहने का मतलब ये था कि पहले तुम स्क्रैबलिंग करो, जो बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, छोटे बच्चे पकड़ते हैं तो ऐसे करते हैं, तो अगर वो बड़ा भी हो गया है तब भी कोशिश करो कि उसको पहले, इनका मेथड क्या था कि वो बालू का ऐसे, अगर कोई पॉट है इसमें बालू ढेर सारे रख दें, उसमें हाथ के द्वारा वो ऐसे अक्षर बनवाते थे, हाथ से अक्षर बनवाते थे, हाथ से कुछ बनाओ, हाथ से ही बनवाते थे उसमें, ठीक। इनका मेथड था, बालू पर क्या होता था, बच्चे सीधे सीधे बनाने की कोशिश करते थे, यानी अगर जितना अच्छा से बन रहा है, कुछ बच्चे जो होते हैं उल्टा सीधा बना रहे थे, कुछ भी होता है, ठीक। और इसमें क्या, एक और चीज़ कराते थे कि ये देर चौक दे देते थे, चौक दे देते थे और उसको ब्लैक बोर्ड पर पट्टी जो होती है, मतलब पढ़ेंगे स्लेट होता है उस पर लिखवाते थे, उस पर लिखवाने, जैसे हम लोग पढ़े होंगे जो आलेख लिखा जाता है प्राइमरी स्कूलों में, आपने आलेख लिखा होगा, अगर आप प्राइमरी सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे तो ज़रूर आपने आलेख लिखा होगा। उसमें क्या होता है, नीब जो होती है वो बहुत ही धीरे धीरे चलती थी, ठीक है, और जैसे ये है ये बहुत ही स्मूथली चलती है, तो जो अक्षर जो होते हैं वो बिगड़ते रहते हैं, अगर वहाँ पर राइटिंग जो पहले से ही किए रहते हैं
वहाँ पर जो राइटिंग हो जाता है सुधारा जाता है, अक्षर को सुधारा जाता है। यही फ्रेंच मेथड में वो भी चाहते थे, ठीक है, कि या तो दे देते थे कि स्टैंड सैंड यानी बालू, उसमें हाथ से लर्नर जो होते हैं वो आकृति बनाते करते थे, लेटर्स बनाते थे, और या फिर चौक के द्वारा बोर्ड पर बनाते थे, ठीक। ये मेथड यानी ये चार मेथड के द्वारा, और सारे हैं लेकिन ये मुख्यली मेनली चार, ठीक है, ये मेनली चार है, इतना आप लिख देंगे ये बहुत होगा, ठीक है। अब सबसे लास्ट जो हमारा इम्पोर्टेंस, अब इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकता है, ठीक है, कि क्या है इम्पोर्टेंस राइटिंग के, राइटिंग के इम्पोर्टेंस क्या हो सकते हैं, ठीक। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि इट हेल्प अस सिक्योरिंग ए जॉब, यानी कि राइटिंग का मतलब ये होता है कि इट हेल्प अस सिक्योरिंग ए जॉब, ठीक है, कैसे अच्छी राइटिंग होगी। सही बात है कि होता ये है कि अगर आपके पास अच्छी राइटिंग है तो लोग आप जो भी लिखे होंगे उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, अगर आपकी गंदी राइटिंग है तो आप इस बात को समझ सकते हैं, जैसे कि मैं, ठीक। क्या लिखा है कि इट हेल्प अस सिक्योरिंग अ जॉब, ठीक है, ये इस जॉब को सिक्योर करने में भी एक सहायता करता है, ठीक। मान लीजिए कि आप बड़ी परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें रिटर्न वाला फॉर्म होता है, अगर ऐसे ही कुछ लिख के चले जाएँ, मतलब लिखे आपको बहुत आपके पास नॉलेज है लेकिन आप लिखते हुए जाएँ और अच्छे से आपका राइटिंग अच्छा सही नहीं है, कुछ ऐसा लिख दिए जो समझ में नहीं आ रहा था एग्जामिनर को ये लिखा क्या है, और उसका कुछ दूसरा मतलब ले लिया, तो यानी वो पूरा का पूरा आंसर कोशिश करेगा ये तो गलत लिखा है ये मान सकता है। अगर एक अच्छा गुड हैंडराइटिंग जिसके पास रहेगी, अच्छी हैंडराइटिंग रहेगी, वो लिखेगा, साफ साफ लिखेगा, एग्जामिनर बहुत अच्छे से पढ़ेगा, अगर तो कुछ चीज़ें कुछ वर्ड जो कुछ शब्द जो है थोड़ा सा इधर उधर भी होगा तो वो अपने में समझ लेते हैं, यानी कि सोचते अच्छा बढ़िया लिखा यार, इसकी मेहनत पर दे देते हैं, इसके मेहनत पर अंक दे देते हैं, ठीक है। तो इट हेल्प्स अस सिक्योरिंग अ जॉब, ठीक है। अब वहाँ पर भले आप तेज हो, अब उसको आपको 9 नंबर मिला, इसको 10 नंबर मिल गया, अब क्या पता मेरिट में पिछड़ गया एक नंबर से ही, भले ही बहुत तेज होगा और ये उसके बराबर ना रहा हो लेकिन उसकी राइटिंग अच्छी थी, यानी सिक्योरिंग जॉब में, जॉब में सिक्योर करने में भी एक इम्पॉर्टेंस रखता है, क्या है हमारा राइटिंग। अगला क्या है कि इट इज क्रूशियल फॉर सम प्रोफेशन, देखिए ये कुछ प्रोफेशन जो होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि टीचर, टीचर्स के लिए कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग होती है, मेरी तो है ठीक है, मेरी गंदी राइटिंग है लेकिन इतना भी नहीं है, अगर किसी को बोर्ड पर लिखने के लिए बोल दिया जाए तो वो ऐसे लिखते हुए नीचे चले जाते हैं, अच्छे से बना भी नहीं पाते हैं। तो ये राइटिंग जो होती है, राइटिंग जो मेथड होता है, राइटिंग स्किल जो होती है वो एक टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है, कुछ सम प्रोफेशन। अगला ये पॉइंट मैंने अपने से डाला है कि फॉर गेटिंग अ गुड मार्क्स, सबसे ज़्यादा जरूरी पहले हमको ये हो जाता है कि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मानक यह है कि जितना अच्छा आप लिखे होंगे, जितना ज़्यादा आपकी कॉपी भरी होगी आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में ही, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश में ही लिख रहे हैं तो लिखने में इतना ना भूल जाइए कि बस लिखते हुए चले जाइए, वो डॉक्टर वाली राइटिंग में नहीं लिखना है आपको इंग्लिश, कोशिश करिए कि शुद्ध राइटिंग में, शुद्ध भाषा में जो जैसे लिखा जाता है वैसे लिखने की कोशिश करिए, कम भी लिखिए नहीं, पेपर तो कॉपी तो भरना ही है लेकिन कम कोशिश करिए कि अच्छे लिखेंगे ताकि आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। ये गुड मार्क्स इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 3 आज समाप्त होता है। अगले जो वीडियो जो बनेगा उसमें हम यूनिट 4 शुरू करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।